नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस छोटी सी जूनागढ़ सीरीज़ में, जहां मैं स्पेशली आपको लेके जाऊंगा जूनागढ़ में होने वाले महाशिवरात्रि के मेले में। वैसे जूनागढ़ का लिटरली मीनिंग है पुराना किला, तो इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर हम लिखे हुए इतिहास की बात करें तो प्रथम उसका उल्लेख राजा अशोक के शिलालेख में मिलता है, जो जूनागढ़ की भवना तलेडी में मौजूद है। उस शिलालेख के अनुसार यह शहर 2400 से 2500 साल पुराना है, और हम गिरनार पर्वत को कैसे भूल सकते हैं, जो जूनागढ़ की मुख्य पहचान है और कई सारे नागा साधु और अन्य साधुओं का बसेरा है। तो इस ऐतिहासिक शहर में एक व्यक्ति रहते थे, नाम था नरसिंह मेहता, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और महान कवि, जिसकी एक रचना वैष्णव जन तो तेने कहिए रे तो बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। तो क्या है इस कृष्ण भक्त का इस शहर से नाता, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ नरसिंह मेहता नौचोरो, मीन्स कि नरसिंह मेहता जहाँ पे भजन करते थे उस जगह पे मैं आ चुका हूँ। आप लोगों ने शायद सुना होगा नरसिंह मेहता कौन थे। जितने भी गुजराती लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि नरसिंह मेहता कौन थे। बहुत ही बड़े पोएट थे और भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। तो आज मैं वही जगह पे आया हूँ जहाँ पे नरसिंह मेहता ने प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, क्योंकि नरसिंह मेहता जो थे वो मेरे पीछे आप देख सकते हो इस प्लेस को, ये जो प्लेस है वहाँ पे ही नरसिंह मेहता ने दर्शन किए थे पहली बार भगवान श्री कृष्ण को। तो ऐसा हिस्ट्री है इसकी कि 600 साल पहले नरसिंह मेहता यहाँ जूनागढ़ में भगवान श्री शंकर के पूजा करते थे, गोपेश्वर महादेव। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने वरदान मांगने को बोला कि आप क्या चाहते हो। तो नरसिंह मेहता ने बोला कि आपको जो पसंद है वो मुझे दीजिए। तो भगवान शिव ने बोला कि मुझे भगवान श्री कृष्ण पसंद है। तो नरसिंह मेहता ने बोला कि ठीक है। तो भगवान नरसिंह मेहता को, भगवान शिव नरसिंह मेहता को इस चौक में लाते हैं जो एग्जैक्ट मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। तो इसी चौक पे आके भगवान शिव ने नरसिंह मेहता को बोला कि देखो यहाँ पे मैं आपको भगवान की रासलीला दिखाता हूँ। तो भगवान शिव तब उसको रासलीला दिखाते हैं, और हाथ में मशाल थी, रात थी इसलिए। तो इतने मग्न हो जाते हैं उस रासलीला को देखने में कि उसके हाथ जलने लगते हैं, और भगवान श्री कृष्ण तब प्रसन्न हो जाते हैं, और उसको प्रसन्न होकर नरसिंह मेहता को बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ और आपको मैं केदार राग जो है उसका वरदान देता हूँ। और फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। आपको पता ही है कि नरसिंह मेहता ने बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन लिखे और गाए भगवान के लिए, और आपको पता है कि सबसे फेमस जो उनका भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने कृष्ण भक्ति दी, और यही प्लेस है जहाँ पे रासलीला हुई थी। और मुझे बताया गया है यहाँ पे कि नरसिंह मेहता को यही जगह पे भगवान ने 52 बार, यानी कि 52 बार भगवान ने, कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। तो यही इस स्थान का बहुत 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 महत्व है। आई थिंक बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इतना सबको ये देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और देखिए, बहुत ही अच्छी जगह है। अभी रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए आपको सिर्फ ये गेट वाला पार्ट है वही ओल्ड जैसा दिख रहा है, बाकी सब रिनोवेशन गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए आपको सब नया नया दिख रहा है यहाँ पे। ये भी मुझे बताया गया है यहाँ पे लोगों ने कि ये जो चौक है उसको भी रिनोवेट कर दिया है, आप देख सकते हो, सीमेंट वीमेंट सब कुछ आ गया है। तो ये सब रिनोवेशन हो रहा है, और इसको रिस्टोर करके इसका जो इम्पोर्टेंस है टूरिज़म के लिए भी डेवलप कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एरिया, बेस्ट प्लेस, बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस, आपको आना चाहिए। और बहुत ही अच्छी वाइब्स है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जगह है। और मैंने बहुत बचपन से नरसिंह मेहता को सुना था, नरसिंह मेहता की बहुत सारी कविताएं सुनी थी, भजन सुने थे, लेकिन आज पहली बार वो जहाँ पे भजन करते थे उस जगह पे मैं आ चुका हूँ। तो यही चौक है जहाँ पे नरसिंह मेहता को भगवान श्री कृष्ण की लास्ट जो रासलीला है उसका दर्शन हुआ था। मैंने पहले गोपेश्वर महादेव बोला था लेकिन मैं आपको करेक्ट करता हूँ, गोपीनाथ महादेव जो जहाँ पे जो उसकी पूजा कर रहे थे नरसिंह मेहता, वो एग्जैक्टली वहाँ पे मंदिर है और उसके बाजू में ही भगवान के मंदिर, भगवान कृष्णा और नरसिंह मेहता दोनों का मंदिर है। तो यही चौक है जहाँ पे पहली बार नरसिंह मेहता को दर्शन हुए थे, यहाँ पे ही रासलीला देखी थी नरसिंह मेहता ने भगवान की। पे रिनोवेशन हो रहा है अभी धीरे धीरे, गवर्नमेंट ने 3 साल से यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है धीरे धीरे, उसके म्यूज़ियम वो सब कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो ओके दोस्तों, तो यही मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भगवान कृष्ण है और नरसिंह भगत भी उनके बाजू में बैठे हैं। तो यही मुख्य मंदिर है और यहीं पे नरसिंह मेहता जो थे वो भजन करते थे, यही उनकी भजन कुटी थी। और यही है गोपनाथ महादेव जहाँ ये पूजा करते थे नरसिंह मेहता गोपनाथ महादेव की, और यहीं से गोपनाथ महादेव प्रसन्न होकर नरसिंह मेहता को रासलीला, भगवान कृष्ण की रासलीला दिखाई थी। तो यही वो प्लेस है जहाँ पहले नरसिंह मेहता गोपनाथ महादेव है उसकी पूजा करते थे और फिर भगवान यहाँ से प्रसन्न हुए और उनको सुंदर दर्शन करवाया भगवान श्री कृष्ण की लीला का। जय हो, जय हो, राधे 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 राधे।